और नाइन स्टेट में है, सिंधी समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, एक भाषा के लिए, एक जो हमारे त्यौहार है, हमारा खाना पीना है और हमारी लैंग्वेज को प्रमोशन करने के लिए आज ये हमारे पूरे स्टार्स जो हमारे सिंधी समाज के सुपर स्टार्स हैं वो हमारे लेफ्ट और राइट पर बैठे हुए हैं। इस कन्वेंशन में हम लोग कुछ रेजोल्यूशंस पास करते हैं, पैनल डिस्कशन होता है, हमारी मीटिंग्स होती है, ऑफिसर्स की स्कूलिंग होती है जहाँ पे ऑफिसर को ये बताया जाता है कि आपकी ड्यूटी कैसी है और आपके मेंबर्स को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी भाषा, हमारा खाना पीना और हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये हर साल किया जाता है। ये पाँचवा साल है और अगले साल बैंकॉक बिल्डन में 27-28 जनवरी 2024 में है। IAS और IPS ऑफिसर बनाने के लिए, राजनीति में हमारे बच्चों को ट्रेन करने के लिए, सिंधी भाषा उनको पढ़ाने के लिए और जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे या हमारे कुछ काउंसलिंग केसेस होते हैं हमारे कपल्स के, उनके लिए ये पूरा हमारा समाज काम करता है। लेकिन 13 को क्या हुआ, आज 14 को और 15 को क्या है? थोड़ा 13 तारीख को ओपनिंग सेशन था जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उनका इनॉग्रेशन किया। ओपनिंग के समय हमारे सारे डेलीगेट्स करीब यही थे, जिसके अंदर हम लोग अपने पूरे एक ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। उस आदेश गुप्ता साहब भी यही थे, हमारे राजकुमार जी भाटिया साहब भी यही थे, हमारे विजय जोली जी आए हुए हैं, हमारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालमणि जी आए हुए हैं, हमारे सारे MLA जो अशोक भवानी जी मध्य प्रदेश से MLA, वासुदेव देवरानी जी जो अजमेर से हैं और अशोक भवानी जी मध्य प्रदेश से, और इसके अलावा जितने भी हमारे एक्स MLA और MPs हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर और MP श्री जीवानी जी, और आज हमारे जो नए आपके आदेश गुप्ता जी की जगह नए प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज उनसे भी आशीर्वाद देने का मौका मिला। ओपनिंग हम लोगों ने शिव खेरा साहब के स्पीच से लिया। आज हमारे बीच में आदरणीय MDK शिवानी जी स्पीकर थी, अब शाम के सेशन हमारे शंकर लालवानी जी हैं, और कल इन सब लोगों का पूरे साल भर के अंदर जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो सर्विस करते हैं, चाहे वो मेन कैंड्स की जो कोविड के अंदर या गरीबों के लिए जो हमारे मोस्ट हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं उनको सर्विस करने में, और हमारी अभी भी कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अभी तक उनको मान्यता नहीं दी गई है, जो कि शरणार्थी बन गया है, तो अभी तक कॉलोनी को डेवलप करने में कोई परमिशन नहीं दी गई है। एक कानूनी अधिकार है हमारा कि हर राज्य में एक सिंधी साहित्य अकेडमी होनी चाहिए हर भाषा की तरह, जो दूसरी भाषाओं का भी है। लेकिन अभी तक हमारा सिर्फ 5 स्टेट में है, जो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे 29 राज्यों में ये हमारी सिंधी साहित्य अकेडमी भी खोले, उनके लिए हमारे 3 महीने तक पूरा सेशन है। साथ में बिना डिमांड किए हुए करते हैं सर, हम कोई आंदोलन नहीं करते, कोई मोर्चा नहीं निकालते, हम लोग कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेके आते, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको पता है कि हमारी भाषा के लोग किस तरह हिंदुस्तान में आए थे, कि हमें कई दिनों तक शायद भूखा भी रहना पड़ता, पानी और खाना भी नसीब नहीं होता था, और आज आप सिंधी समाज का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे टैक्स में है, कहते हैं हम लोग 1 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन हमारे टैक्स में है, जितना हम लोग आज वो राम जेठमलानी साहब हो, महेश जेठमलानी साहब हो, या रणवीर सिंह हो, या कियारा हो, या हमारे डॉक्टर अडवाणी टाटा हॉस्पिटल के वहाँ रमेश तोरानी जी टिप्स के मालिक हैं, और ये सारे आर्टिस्ट जो हमारे लेफ्ट और राइट में बैठे हैं, जो हमारे समाज के सितारे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आज तक शायद आपने कभी भी हमारे सिंधी भाई बहन को भीख मांगते नहीं देखा होगा, डिमांड करते हुए नहीं देखा होगा। हमारे लिए पूरा हमारा हिंदुस्तान है, पंजाब को पंजाबियों को पंजाब मिला, बंगालियों को बंगाल मिला, सिंधियों को हमारा सिंध पाकिस्तान में छोड़ गया, आज हम पूरे हिंदुस्तान को अपना सिंधी समझते हैं, और हम इस देश की गवर्नमेंट के साथ पूरा कॉपरेट करके हम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चा रोए तो दूध पिलाओ, हम चाहते हैं कि अगर हमारी दर्द को आप महसूस कर सकते हो तो महसूस करें और हमें आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हम नहीं चाहते कि वी शुड बी टेकन एज ए ग्रांटेड कि चलो ये तो पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं, हम अब खुल करके अपनी मांगों को रखेंगे और विश्वास है कि गवर्नमेंट हमारे लिए मांगे पूरी करें। क्या फ्यूचर में आपकी ऐसी मांग भी रहने वाली की बंगाल? नहीं, हम नहीं चाहते कि हमें कोई भी सिंधी स्टेट मिले, अगर देते तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर नहीं देते तो कम से कम वो स्टेटस दे दे, वो स्टेट नहीं लेकिन स्टेटस दे दे, और जो बजट एक स्टेट के लिए हो जाए अगर वो हमारे सिंधी समाज के लिए आता है, तो मुझे लगता है कि वो बजट हमारे सिंधियों को आगे बढ़ाने में और उनकी एजुकेशन में और उनके कई कामों में काम आ सकता है।
एक हमारे कानूनी अधिकार है कि हर स्कूल के अंदर 40 सिंधी बच्चों से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ एक सिंधी टीचर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। 5 स्टेट में सिर्फ सिंधी साहित्य अकेडमी है। 1968 के बाद हमारे कभी भी राजपथ के ऊपर सिंधियों की झांकी नहीं निकली जो पहले निकला करती थी। हम चाहते हैं राजपथ पर हमें भी मौका दिया जाए और हमारे समाज की भी एक झांकी निकली जाए। और इसके अलावा जो वो फायदे जो एक भाषा को प्रमोशन करने के लिए उर्दू हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, वो सिंधी भाषा के लिए भी उतना बजट पास किया जाए जो दूसरी संस्थाओं के लिए किया गया है, वो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नोट लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हमें बजट ज़्यादा मिलेगा तो हम अपनी भाषा को प्रमोशन करने में और अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे सतीश कौशिक भी थे और आज कमल अठानी जी भी हैं। एक पहली डिसीजन हुआ है कि हम सिंधी और हिंदी दोनों में शहीद हेमू कालानी को ऊपर एक पिक्चर शुरू करने जा रहे हैं और शुरुआत में अठासी के ग्रुप में और सतीश कौशिक पिछले 40 साल से पार्टनर और हम लोग सोनी चैनल के पायलट प्रोड्यूसर रह चुके हैं। हम लोगों ने करीब 12-15 सीरियल बनाए हुए हैं, पिक्चरें बनाई हुई हैं, उसमें फाइनेंस किया हुआ है। बेसिकली तो हमारा मेन वही मेरा प्रोफेशन था और ये बहुत जल्दी सर आपको इसी शायद महीने दो महीने के अंदर डिक्लेरेशन हो जाएगा। ऐसा अपने सिर्फ सिंधी समाज के कोई भी मतलब अगर पंजाबी भी हैं तो भी मैं चला जाता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद मेरा सिंधी ज़रूर है। हम अपनी भाषा को प्रोत्साहन देते हैं, हम उनके उस कार्यक्रम में रुचि लेते हैं और डेट्स निकाल के समय निकाल के भी ज़रूर जाते हैं, उसको प्रायोरिटी रखते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे राजनीति ने 3 दिन के लिए बुलाया, वो अपना सारा काम छोड़ के पहले यहाँ पर आए। उनका यहाँ पर हमारा एक जुड़ाव तो है ही, लेकिन एक हमारा कर्तव्य भी है और उस कर्तव्य का पालन हम सब करते हैं। थैंक यू। तो डेफिनेटली मैं दिल्ली की लड़की हूँ एंड दिल्ली में इतना बड़ा सिंधी समाज का इवेंट है तो मैं कैसे अटेंड नहीं करूँ। मैं सिर्फ ये इवेंट सिंधी होने के मतलब मैं पंजाबी हूँ वैसे सिर्फ सिंधी समाज के लिए ना ही अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ बल्कि मैं अपनी पूरी फैमिली को जैसे आपने बोला प्रियंका परिणीति मैं सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और हम सबका बहुत लॉन्ग एसोसिएशन रहा है राजू सर के साथ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ तो आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग देम। एंड अपने इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक भी करती हूँ जस्ट फॉर माई ओन इंटरेस्ट एंड गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर कि मैं एक सिंधी में भी गाना ट्राई करूँ जब मैं अपने सोशल मीडिया में कुछ भी गाऊँ। इट इज़ आई ट्राइड इन मेनी लैंग्वेजेस, चाइनीज़ हो, तेलुगू हो, तमिल हो, बट अब एक गाना डेफिनेटली सिंधी में भी मैं गाऊँगी। मतलब सिंधी समाज से जुड़े राजू जी।